In previous video, we have studied about the MOS capacitor. Now we will focus on the MOS transistor. So, this is the structure of the MOSFET. MOSFET is a four-terminal device: source, gate, drain, and this is the body terminal. This mid-section of the MOSFET is MOS capacitor, which we have already studied. This first layer is the metal layer was aluminium But पूरा डिवाइस आपका सिलिकॉन सेमीकंडक्टर का है और यहां पर आपने एल्युमिनियम यूज किया जब डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल यूज करते हैं तो डिफेक्ट्स बढ़ जाते हैं नाउ नाउट पॉलीसिलीकॉन इज यूज एज फर्स्ट लेयर इन मॉस कैपेसिटर सो पॉलीसिलीकॉन यूज करने से कई फायदे हुए थर्मल स्टेबिलिटी बढ़ गई डिफेक्ट्स कम हो गए तो ये ऑक्साइड कौन सा है सिलिकॉन डाइऑक्साइड एस सबस्ट्रेट दैट इज पीटाई सबस्ट्रेट अच्छा सबस्ट्रेट अगर हमारा पी टाइप है सोर्स एंड ड्रेन रीजनस एन टाइप है दैट मींस कि ये कौन सा मॉस्फेट है एन मॉस पी मॉस के लिए ये एन हो जाएगा सोर्स ड्रेन रीजनस हमारे पी प्लस होंगे एंड दिस प्लस इज सिग्निफाइंग दैट सोर्स एंड ड्रेन डिफ्यूजन रीजन आर हैवीली डोप्ड दिस सोर्स एंड ड्रेन टर्मिनल्स आर करंट कंडक्टिंग टर्मिनस सोर्स एंड ड्रेन के बीच में ही आपके चार्ज कैरियर्स मूव होने वाले हैं तो so इसीलिए हम इन्हें करंट कंडक्टिंग टर्मिनल बोल रहे हैं अब ये जो सोर्स एंड ड्रेन डिफ्यूजन रीजनस हैं ये एकदम आइडेंटिकल हैं डुप्लीकेट हैं इनकी डोपिंग प्रोफाइल एग्जैक्टली सेम है दिस मीन्स द मॉस्फेट हैज सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर विद रिस्पेक्ट टू ड्रेन एंड सोर्स रीजनस बने सेम होते हैं लेकिन इनका रोल डिफरेंट होता है और उनसे ही फिर करंट की डायरेक्शन भी डिफाइन होगी नाउ द रीजन बिटवीन सोर्स एंड डिफ्यूजन रीजन इज कॉल्ड चैनल ये हमारी जो डिस्टेंस है इन रीजन के बीच में उसको चैनल लेंथ बोलते हैं और विथ क्या होगी इस लेंथ के परपेंडिकुलरली जो चैनल हमारा एक्सटेंड कर गया है

जब हमारा मॉस्फेट बन रहा होता है फैब्रिकेट हो रहा होता है वहाँ पर चैनल ऑलरेडी बना दिया जाता है कंडक्टिंग चैनल एग्जिस्ट एट जीरो गेट पायस डिप्लीशन मॉसफेट के ड्रॉबैक्स भी हैं कि चैनल ऑलरेडी है यानी लो वोल्टेज अप्लाई करने पर भी करंट फ्लो कर जाती तो कहीं से अगर हमारा ज़रा भी वोल्टेज आ जाता है गेट टर्मिनल पर तो करंट फ्लो करेगी तो इससे पावर डिसिपेशन बढ़ जाती है नेक्स्ट सिंपल है एन मॉस एंड पी मॉस जिसको हमने ऑलरेडी स्टडी किया हुआ है एन टाइप होता है जिसमें हमारा सोर्स ड्रेन एन प्लस टाइप है बॉडी पी टाइप है और पी टाइप में ये अपोजिट हो जाता है नाउ लेट्स सी द सर्किट सिंबल्स सर्किट सिंबल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं इनको ध्यान से देखिए इट इज़ ऑलमोस्ट सिमिलर एज वी हैव सीन इन दी बीजेटी तो बीजेटी का एक सर्किट सिंबल बना लेते हैं दिस इज एन पी एन बीजेटी कलेक्टर बेस एमेटर अच्छा ये एरो क्या शो करता है डायरेक्शन ऑफ करेंट तो दिस इज एन पी एन बट देर इज अग डिफरेंस दैट दिस गेट टर्मिनल इज नॉट कनेक्टेड और अटैच टू दी ड्रेन और सोर्स टर्मिनल्स यहाँ पर एक गैप है ये गैप क्या सिग्नीफाई कर रहा है ये गैप सिग्नीफाई कर रहा है कि गेट ड्रेन एंड सोर्स से इंसुलेटेड है क्योंकि यहाँ पर सिलीकॉन डाईऑक्साइड है फोर्थ टर्मिनल हमारा बॉडी है अब यहाँ पर एन मॉस का सर्किट सिंबल बना है तो एन मॉस के लिए बॉडी टर्मिनल पर अगर हमने एरोड बनाया है तो दैट शुड बी इनवर्ड पी मॉस के लिए आउटवर्ड हो जाएगा सो दिस इज द फर्स्ट वर्जन ऑफ द सर्किट सिंबल फॉर एन मॉस सेकेंड टाइप में हम देख रहे हैं कि हमने बॉडी टर्मिनल हटा दिया है सिंबल से सोर्स पर ही हमने एरो की डायरेक्शन बनाई है तो सोर्स पे हमारा आउटवर्ड डायरेक्शन अगर होगा तो ये एनमोस है एंड थर्ड वर्जन में हम देख रहे हैं कि एरो ही नहीं है सिंपल गेट ड्रेन सोर्स अब पी मॉस का सर्किट सिंबल अगर हम ड्रॉ करें तो देखिए फर्स्ट टू तो बहुत इजी है आपको सिर्फ डायरेक्शन एरो की चेंज कर देनी है तो गेट ड्रेन सोर्स और यहाँ पे बल्ब के आउटवर्ड डायरेक्शन तो ये हमारा पी मॉस हो गया फर्स्ट वर्जन सेकेंड में भी हम एरो के डायरेक्शन को चेंज कर देते हैं तो ड्रेन गेट सोर्स और एरो के डायरेक्शन इनवर्ड तो ये पी मॉस हो गया थर्ड में क्या करेंगे एरो तो है ही नहीं यहाँ पर हम पहले ड्रेन एंड सोर्स बना लेते हैं और देखिए एन मॉस की एक बात को ध्यान रखिए कि चैनल फॉर्म करने के लिए गेट वोल्टेज पॉजिटिव होना चाहिए और पी मॉस के लिए यही चीज़ उल्टी हो जाती है जीरो या नेगेटिव होना चाहिए इसीलिए बबल बना दिया है ये बबल से आपको कुछ याद आ रहा है कि बबल्स कहाँ यूज होते हैं डिजिटल सर्किट्स में तो ये दो जो सर्किट सिंबल्स हैं यानी थर्ड वर्जन्स के सर्किट सिंबल ये हमारे डिजिटल सर्किट्स में यूज होते हैं सेकेंड वर्जन मोस्टली हमारे एनालॉग के लिए यूज़ होते हैं इनको एनालॉग सर्किट सिंबल बोलते हैं इनको डिजिटल सर्किट सिंबल्स बोलते हैं नेक्स्ट हम देखते हैं कि ऑपरेशन प्रिंसिपल क्या है सो द ऑपरेशन प्रिंसिपल इज द करेंट कंडक्शन बिटवीन सोर्स एंड ड्रेन इज कंट्रोल्ड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू गेट वोल्टेज देखिए फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर इसके नाम में ही है देर मस्ट बी अ फील्ड हमने मॉस कैपेसिटर में भी देखा कि जब हम गेट पर वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो किस तरीके से फील्ड वेरी करती है एनर्जी बैंड्स की बेंडिंग होती है और जिसकी वजह से आपका करंट कंडक्शन होगा दैट्स वाई गेट इज कंट्रोलिंग टर्मिनल हावर एट फ्लोइंग चैनल इज ऑल्सो कंट्रोल्ड बाई अदर टर्मिनल वोल्टेजेस that we will see in upcoming videos in the next video we will study about its operation if you have any queries then please write in the comment section and i hope you like this video so share it and subscribe my channel thank you so much have a nice day